नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी। हमें कैसा बोलना चाहिए? देखिए, अभी अभी आप हमें बता रहे थे कि ये कोयल भी सत्संग में शामिल हो रही है और अपनी मधुर वाणी से सबों का दिल मोह रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको भी कोयल की आवाज़ सुनाई देगी। और मैं अपने कोयल बहन बेटी से अनुरोध करता हूँ कि अपनी सही आवाज़ सुनाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी तो अनमोल है जे को जाने बोल, हीरा तो दामो बिके वाणी के नी मोल। लेकिन सती बाबू, आपको ये सोचना पड़ेगा कि मधुर वाणी का स्रोत क्या है, फिर हम वहीं चले जाएंगे। क्योंकि मैं पावर ऑफ थॉट का एक्सपर्ट हूँ, मैं बुद्ध और विवेक का एक प्रतिरूप हूँ जिसने केवल सत्य को समझा। सत्य तुम्हारे सोच, तुम वही हो जो तुम सोचते हो, तुम वही सोचते हो, वही बोलते हो, वही तुम्हारी आदत पड़ जाती है, वही तुम्हारी सद्विचार हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने भी एट फोल्ड पाथ दिया था जीवन में दुखों से मुक्ति का। सच्ची वाणी, सच्चे बोल, सच्चे कर्म, सच्चे आचरण, अन सच्चे सच्चे, तो वाणी ही हमारी शुरुआत होती है, सोच से प्रकट होती है। तो वाणी तो अनमोल है भाई, अच्छी वाणी बोलिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलिए। जो सत्य हो लेकिन थोड़ा दिल को छूता है वो मत बोलिए। तो वाणी का यही महत्व है, कोयल तो ऐसा ही होता है। हमारे दोस्त कबीर ने कहा था, कागा काका देत है कोयल काका देत, अपनी मीठी बोल से एक सबों के दिल जीत जी लेत, और अपने कठोर वचन से दूसरों के दिल को छेद कर दे। तो भाई, जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है, जो ज्ञान की वाणी बोलता है, वो बुद्ध है, विवेक है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हिंसन के नहीं ले रहे, संतन की नहीं। देखिए, साधु ने चला जमात, सीहन के नहीं ले रहे, हंसन की नहीं पांत, लालन की नहीं बोरियां, साधु ने चला जमात। इसीलिए सत्यनारायण, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, कभी विचलित नहीं हो। आप तभी मधुर वाणी बोल सकते हो, तभी सत्य कर्म कर सकते हो जब आप स्वार्थ से विहीन हो। जब तुम स्वार्थ की धुरी में ऐसे जकड़े जाओगे तो तुम घूम फिर के फिर अपने स्वार्थ पर आ जाओगे। तुम किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। सबके लिए अच्छा काम करना बहुत कठिन है, सबके लिए अच्छी वाणी बोलना भी कठिन काम है। लेकिन जब निस्वार्थ हो जाओगे ना, तो तुम हमारा सच्ची वाणी बोलोगे, कोयल की तरह बोलोगे, और दुनिया में तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा। तुमको लगेगा कि मेरा कुछ जा रहा है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हें कितना आ रहा है। ओम शांति।